लिथियम, ओके। ये जो आपका टोराइड होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमर के, ठीक है, ये टोराइड है। थोड़ा इमेजिन कर लो कि डायग्राम मैंने थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं करी है, तो इसके अंदर उसने क्या डाला है, लिथियम, ओके। लिथियम डाला है भाई ने, लिथियम का वैसे भी शॉर्टेज, और इसने कहाँ से डाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिख रहा है, रुक जाओ अभी इसको सॉल्व किया करो, मुझे देखने दो। सुसेप्टिबिलिटी दिया गया है हमें, हाँ, लिथियम की सुसेप्टिबिलिटी दी गई है, दैट इज 2.1 × 10⁻¹⁵ व्हाट, -5, ये दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। परसेंटेज इंक्रीज इन बी फाइंड करना है मुझे, परसेंटेज इंक्रीज इन बी मतलब कैसे फाइंड करोगे, मुझे फाइंड करना पड़ेगा B2 - B1 / B1, ऐसे फाइंड किया जाता है कोई भी चीज का परसेंटेज अगर मुझे फाइंड करना है तो, ठीक है। अब परसेंटेज इन बी तो फाइंड करना है, ठीक है, उसके बाद आगे मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम ओवर इट, ओवर दैट विदाउट इट, ओके। पहले क्या किया उसने, सिंपल एक टोरॉइड लिया, पहले क्या लिया, सिंपल टोरॉइड लिया, ठीक है, ये सिंपल टोरॉइड, इसमें लिथियम विथियम कुछ नहीं डाला। तो अब ये केस में, फर्स्ट केस में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है B = μ0 × H, ठीक है। म्यू इज परमेबिलिटी, ए इज मैग्नेटिक, इसको क्या बोलेंगे, एच इज मैग्नेटाइजेशन नहीं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। अब जब वो लिथियम डालेगा तो लिथियम डालने के बाद उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कितना टाइम्स बढ़ेगा, तो वो बढ़ता है अराउंड B = μ0 1 + susceptibility × H, इतना होना चाहिए, ठीक है, 1 + susceptibility × H, तो इतना उसका आंसर आना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज भी, तो बस वैल्यूज डाल दो, ये वैल्यूज डाल दो। B2 कितना है, B2 कितना है, दैट इज, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, आंसर तो आ जाएगा इसका, क्वेश्चन ज़रा डिफिकल्ट नहीं है, इधर गया, ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर तो आ ही जाएगा। B2 क्या लेना पड़ेगा मुझे, ये देखो, जब भी हम किसी अच्छे मटेरियल को जो मैग्नेटिक को फेवर करता है वो मटेरियल को अगर हम डालते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। हमें सुसेप्टिबिलिटी दी गई थी किसी मटेरियल के, लिथियम की, उसके डालने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो कितनी बढ़ती है, कितने से बढ़ी, ये रिलेशन से बढ़ती है, 1 + susceptibility × H, ठीक है। यहाँ पे 1 + susceptibility मतलब मैं μr भी लिख सकता था, रिलेटिव परमेबिलिटी, लेकिन वो दिया नहीं था डेटा, तो इससे मुझे जाना पड़ेगा। तो B2 कितना दिया है, B2 इज μ0 1 + susceptibility × H -B1, B1 कितना है, सिर्फ μ0H, ठीक है, अपॉन B1, B1 इज μ0H, सही है, ठीक है। उसके बाद यहां से μ0 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 H H H कैंसिल, क्या बचता है ऊपर, 1 + susceptibility − 1, तो 1 1 भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ सुसेप्टेबिलिटी। लेकिन ये जो हमने आंसर निकाला ये परसेंटेज में नहीं निकाला, सिर्फ चेंज इन बी निकाला, तो इसको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, x की वैल्यू कितने दिए, सुसेप्टेबिलिटी कितना दिया आपको, दैट इज 2.1 × 10⁻¹⁵ × 100%, तो इसको सॉल्व करने के बाद 10⁻³ यानी कि 2.1 × 10⁻³% में आएगा चेंज, ये इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मुझे एक बार देखना तो सब कुछ सही चल रहा है ना, अरे भाई क्या हो गया, हाँ, 23 नंबर।